एलर्ट्स को पहले जोन में जाना है, जो बिल्कुल भी आसान एक चीज नहीं है। ऊपर में से जाना पड़ेगा, बट क्या डिस्ट्रक्टा एक्स यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे? जी हाँ करेंगे। सोमराज को स्पॉट किया, सोमराज को नॉक करा, एंड हियर यू गो एडवांटेज टीम डिस्ट्रक्टा एक्स के पास है। नंबर्स गेम बिल्कुल इवन स्टीवन देखने को मिल जाएगा। गलती साबित हुई गमला बॉय स्पॉट करते हुए, और अब टेडी आखिरी प्लेयर बचे हैं। क्या एक 1v2 यहाँ पे देखने को मिल सकता है? स्पॉट उनकी पोजीशन भी हो जाएगी, पुकार का एक अच्छा नेट सही जगह पे जाएगा, एंड हियर यू गो जो चिकन की हम बात करते हैं वो आ सकता है एक और नेट पुकार की तरफ से, बट यहाँ पे गमला बॉय को नॉक कर देता है। इट्स 1v1 पुकार Last man standing, MK49. What? Here. Who won the chicken? It's not Skylet Gaming. It's not Skylet Gaming. It is Destructa X. At the last moment, at the last freaking moment, just. जो कहीं ना कहीं नो ऑब्वियसली आउट नंबर होते हैं। वाह स्विमल को नहीं किए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी पिक्सल इज इंपॉर्टेंट, और इनकॉग्निटो को यहां पर पिक किया जाएगा गमला बॉय के द्वारा। पर ट्रिपल, व्हाट अ ब्रिलियंट आईक्यू प्ले दैट वाज। एक पिक्सल हल्का सा दिख रहा था, टुक देम डाउन। गमला बॉय धीरे धीरे आगे जा रहे, नेड है इनके हाथ में, बट कुक करना शुरू नहीं किया है, कुछ खुराफाती करना चाहते हैं। नेड अब इनके हाथ पे, इनको पता है शैक के पीछे नेड डालना है। ही इज गोइंग फॉर इट, द नेड गोस, द नेड गोस, द नेड गोस, बूम, द नेड टेक्स आउट थ्री प्लेयर्स। गमला बॉय, व्हाट अ नेड, ये गमला फोड़ रहा है सबको। गमला बॉय यू मेनियक। मैं हम वही बात कर रहे थे कि एक नेट पूरी की पूरी इनकॉग्निटो को खत्म कर सकता है, और वही हुआ। लेकिन स्काईलाइट गेमिंग एक ऊपर टीम गॉडलाइक है, नीचे से टर्मिनेटर्स जो है वो यहां पर क्लोज इन करने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी कि यहां पर किस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो आता है। खिलाड़ी को ओपन में स्पॉट किया जाएगा एंड नॉक किया गया, लेकिन साइबर क्वाड बहुत ज्यादा ओपन में थे। जॉनसन जो है वो ऊपर से कुछ बढ़िया फिनिशेस वहां पर निकालते हुए नजर आएंगे। ये पहला फिनिश जो है वो आता हुआ टीम गॉडलाइक के खाते में। लीजन की अगर हम बात करें वो भी अब सर्कल के अंदर आना चाहेंगे, और जोन जो है वो प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। टीम कॉस्मिक को भी सर्कल के अंदर आना है, टीम टर्मिनेटर्स को भी सर्कल के अंदर आना है, और यही वो बढ़िया कॉल था जो आया था वहां पे क्लच गॉड की साइड से कि पहले आप जोन के अंदर आए और उसके बाद ये फिनिशेस तो हम निकाल ही देंगे। यहाँ पे पोजीशन बन जाती है टीम गॉडलाइक की, उनके पास एक गेटकीप सिनेरियो है जिसका वो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको नजर आ जाएंगे। कॉस्मिक के अभी भी प्लेयर्स वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं जो जोन के अंदर आना चाहते हैं, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि सामने तो पॉसिबल नहीं है, तो लेफ्ट जाने की कोशिश। बट प्रे कंट्रोल देंगे क्लच गॉड की तरफ से, नॉट ओनली क्लच गॉड, जोनाथन भी वापस प्रे कर रहे थे, और जोनाथन वो फिनिश लेके जाते हुए कॉस्मिक रेवेजर्स खत्म होते आपको नजर आएंगे। एंड अभी के लिए नो टीम में 31 प्लेस बच चुके हैं, जहां पे गॉडलाइक को थोड़ा मुश्किल हो सकता है अब अगर जोन में जाना है उन्होंने तो। एग्जैक्टली, और देखना पड़ेगा कि यहां पे टीम एनिग्मा जो है वो इस फाइट में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जोन के बिल्कुल एज की फाइट हमें देखने को मिल रही है। सामने है टीम इवलएक्स जो ऑलरेडी एक स्क्वाड वाइप कर चुके हैं। टीम एनिग्मा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर जरूर से नजर आ रहे हैं। एकमात्र खिलाड़ी यहां पर सरवाइव करेगा, जिया, उनको भी यहां पे क्लोज रेंज में नॉक कर दिया जाएगा। और अब ये तीनों खिलाड़ी का जो फिनिश है वो हमें आता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी प्लेयर यहां पर बहुत ओपन में आ रहे हैं, ऑलरेडी डैमेज उनको बहुत मिल चुका है। टीम एनिग्मा इनको भी एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ये आता हुआ छठा फिनिश टीम एनिग्मा के फेवर में। लेकिन टीम गॉडलाइक की बात करें, टीम रेवेनेंट राइजिंग का जो राइज है वो डाउनफॉल में कन्वर्ट करने के लिए आगे की तरफ जरूर से जा रहे हैं। जोनाथन डॉट एचपी सर्वाइव करेंगे, लेकिन बाकी के खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, और अब एकमात्र प्लेयर वहां पर सर्वाइव करेगा जिनको शायद बहुत मुश्किल ये स्थिति जो है उनकी देखने को मिल रही है। well, एक तरफ फियर था एनिग्मा, दूसरी तरफ दिल से गॉडलाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से अभी तक चल रहा है। 8 फिनिशेस यहाँ पे गॉडलाइक निकाल चुके हैं, और अभी तक ज्यादा एफर्ट भी नहीं निकाला उन्होंने। जोनाथन नेड उनके हाथ में, सुवेद के ऊपर, मेरे ख्याल से ये नेड जरूर आ सकता है। अगर शैक के अंदर जाता है एक फिनिश उनको जरूर मिलता नजर आएगा, बट क्या ये नेड कनेक्ट कर पाएगा? जी नहीं, अभी के लिए सुवेद अभी भी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, और मेरे ख्याल से गॉडलाइक ने डिसाइड कर लिया है शायद जोन को प्रायोरिटी देना ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पे फिनिश के लिए जाते हैं तो। एग्जैक्टली, एंड सुवेद की अगर हम बात करें वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं टीम गॉडलाइक के ऊपर, दैट फॉर श्योर। ड्रिफ्ट की मीनवाइल बात करें वो अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। एनिग्मा एगी को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर क्या है, लेकिन व्हीकल जो है वो स्लोप होने के बावजूद थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, वो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। मीनवाइल जॉनसन जो है उनकी साइड से एक बढ़िया स्प्रे आएगा, टीम टैक्टिकल की मुश्किलें बढ़ाते हुए वो नजर आएंगे। और आप देखिए पोजिशनिंग टीम गॉडलाइक की बहुत बढ़िया, तीन खिलाड़ी थोड़ा स्प्रेड होकर के खेल रहे, अच्छे एरियाज जो है, जो अच्छे एंगल थे वो उन्होंने कवर करके रखे हैं। और अब मुश्किल आ सकती है टीम एनिग्मा के लिए, बिकॉज वी गॉड यहां पर आगे की तरफ जा जरूर से रहे। टीम एनिग्मा को कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर से प्लेयर आ चुके, क्या ओपन में स्पॉट कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्प्रे दे दिया, और अब जो उनकी पोजिशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है। पोजीशन रिवील्ड है, लेकिन यहाँ पे क्लच गॉड देख सकता है एक प्लेयर ऑफ करते हुए टिकल का, वहीं बीएस के ड्रिफ्ट जो आखिरी प्लेयर से वो भी खत्म हो जाता है। चार टीम में नौ प्लेयर का नेट आता है, बेहतरीन नेट प्लस डैमेज यहाँ पे देखे जाएगा, बट सी गॉड को भी नॉक कर दिया जाता है। क्लच गॉड को भी अब पीछे जाना पड़ेगा। जोनाथन अब यहाँ पे आगे आ चुके हैं, इट्स गोइंग टू बी अ 1v2 सिचुएशन फॉर हिम। दो प्लेयर्स नॉक है, दो प्लेयर्स एनिग्मा के रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करते हैं आपको नजर आएंगे, बट उनको भी कॉल आया कि आप भी पीछे आ जाइए, चिकन निकालना ज्यादा जरूरी है। एनिग्मा के प्लेयर्स वैसे भी थोड़ा सा जोन के बाहर यहाँ पे फंस सकते हैं, बिल्कुल एज पे यहाँ पे है। रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा गया, और मेरे ख्याल से एनिग्मा अपने प्लेयर्स बचा पाएगा।
जाएगा. एग्जैक्टली एक 4v2v1v1 में कन्वर्ट होती है फाइट नजर आएगी. जोनाथन ने स्पॉट किया वहां पर एक और खिलाड़ी को. 5 फिनिशेस ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं, 11 फिनिशेस. एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर से साबित हो सकता है. लेट्स सी कि इस पहले मुकाबले में वो जो विनर विनर चिकन डिनर है वो कौन लेकर के जाएगा. बात करें सैगी की तो वो ऑलरेडी जंप करते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश जरूर से उनकी रहने वाली है स्पॉट करने की. एगी को मीनवाइल वहां पे स्पॉट किया गया, लेकिन इसके बाद जोनाथन ने अपनी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से बता दी है अपने ओपोनेंट को. 5 मीटर का फासला अभी भी तय करना. टीम एनिग्मा की बात करें ओपन में वो आएंगे और अब एक मात्र खिलाड़ी बचेंगे. जोनाथन स्पॉट किए जाएंगे लेकिन बढ़िया स्प्रे आएगा. बट नॉट एनी मोर, टीम एनिग्मा गेमिंग इज द नेम. फियर द एनिग्मा एंड दे हैव कम अप विद अ वेरी वेरी डिसेंट विनर विनर चिकन डिनर.